दोस्तों, अभी मैं गोवा में हूँ और अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये पूछा था कि हम कभी ट्रांसप्लांट के बाद बाहर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जब मैं यहाँ पर आया उसके पहले मैं अपने डॉक्टर से मिला था। अपने डॉक्टर से सारी बातें मैंने बताई थी, मेरा पूरा प्लान बताया था कि यहाँ यहाँ मैं जाने वाला हूँ, क्या क्या करने वाला हूँ, सब कुछ डिस्कस हुआ था मेरे डॉक्टर के साथ। उसके बाद डॉक्टर ने जो जो सुझाव दिया वो सारे सुझाव मैंने पूरे फॉलो किए हैं यहाँ आकर। तो वो क्या क्या था, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बात करते हैं। सबसे पहली बात जो डॉक्टर ने मुझे बताई थी, दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आकर घूमने में दवाइयाँ भूल ना जाऊँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दवाइयों में मैंने क्या ध्यान रखा है कि सबसे पहली चीज़ तो सुबह 10 बजे की और रात को 10 बजे की जो दवाई लेनी होती है उसके तो अलार्म मेरे मोबाइल में सेट है, अभी भी है। ट्रांसप्लांट से लेकर अभी तक अलार्म मेरे सेट ही है और वो मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं। तो टाइम टू टाइम मैं दवाई ले लेता हूँ। दूसरी बात कि मुझे यहाँ पर 7 दिन के लिए आना था, 7 डेज के लिए, तो मैं यहाँ पर 11 दिन की दवाइयाँ लेकर आया हूँ। क्यों 3 दिन की ज़्यादा दवाई लेकर आया हो? क्योंकि शायद अगर यहाँ से वापस जाने में मुझे देरी हो जाए या फिर जो मेरा टिकट बुकिंग है वो कैंसिल हो जाए, ट्रेन कैंसिल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो शायद मुझे 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़े, तो मेरे पास दवाइयाँ होनी चाहिए। इसलिए मैं टोटल 11 दिन की दवाइयाँ मेरे साथ में लेकर आया। दूसरी बात जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी वो थी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, घूमने फिरने में पानी पीना नहीं भूलना चाहिए। खास करके सर्दियों की सीज़न में पेशेंट्स क्या करते हैं कि प्यास नहीं लगती तो पानी अवॉइड करते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं। देखिए, मेरे साथ हमेशा पानी की 1 लीटर की बोतल होती है। ये तो मैं रिसोर्ट में हूँ, अभी मेरे होटल के कमरे के एकदम पास हूँ, इसलिए मेरे पास 1 बोतल है। लेकिन जब कभी मैं बीच पे जाता हूँ तो मेरे पास हमेशा 2 बोतल होती है। मेरी एक बैग जो कैरी बैग होती है वो पूरी साथ में होती है, उसमें 2 बोतल होती है, एक सैनिटाइज़र, मास्क, दवाइयाँ, ये सब कुछ मैं अपने साथ में रखता हूँ। तो पानी भी टाइम टू टाइम पीने के लिए बोतल में साथ में रखता हूँ, और प्यास लगे या ना लगे हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो ट्रांसप्लांट के बाद अगर आप घूमने जा रहे हो तो पानी की 1 बोतल हमेशा आपके साथ होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी वो थी खाना, अच्छा खाना, यानी कि हेल्दी खाना, एकदम जो फ्रेश खाना हमें मिलना चाहिए वो उसका ध्यान रखना है हमें। तो दोस्तों, यहाँ पर जब मैं आया यहाँ रुकने के लिए, उसके बहुत टाइम से मेरी बुकिंग हो चुकी थी, तो मैंने रिसर्च करके, इंटरनेट पर सर्च करके यहाँ पर नज़दीक में कौन कौन सी रेस्टोरेंट है, क्या क्या खाना मिलता है, वो सब कुछ सर्च कर लिया था। और यहाँ नज़दीक ही 1.5 किलोमीटर की दूरी पे एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, एकदम साफ़ सफाई वाली, जिसके मैंने गूगल पे रिव्यूज़ भी पढ़ लिए थे, सबने अच्छे रिव्यूज़ लिखे थे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि मैदे वाली रोटी नहीं खाता हूँ मैं, वहाँ पर तवा रोटी मिल जाती है, जो आटे की तवा रोटी होती है वो मिल जाती है, तो गर्मा गर्म तवा रोटी मंगवाता हूँ, और कोई अच्छी सी नॉर्मल सी नॉन स्पाइसी सब्जी मंगवाता हूँ, दाल चावल मंगवाता हूँ, वैसा खाना मैं खाता हूँ। दूसरी बात कि वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई वाली है, और वहाँ पे ओपन किचन है, यानी कि हमें किचन में देखने को मिलता है कि किचन की साफ़ सफाई कैसी है, क्या बन रहा है, कितनी अच्छी तरह से बन रहा है। तो इस तरह की रेस्टोरेंट मैंने चूज़ की है ताकि अच्छा हेल्दी खाना मिले, और मैं ऑर्डर भी कुछ इस तरह का हल्का फुल्का सा हेल्दी खाना ही ऑर्डर करता हूँ, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें मैं यहाँ आकर नहीं खाता हूँ। और जितनी भूख होती है उससे थोड़ा सा कम खाता हूँ, क्योंकि पानी पीने की जगह बचनी चाहिए, पानी ज़्यादा है ज़्यादा पीना है, इसलिए ऐसा नहीं कि एकदम पेट भर के खाना है, उससे थोड़ा सा कम खाता हूँ ताकि पानी पीने की जगह बचे। तो इस तरह से मैं हेल्दी खाना खाता हूँ। सुबह के लिए मैं दूध पीता हूँ, यहाँ नज़दीक में डेयरी से दूध ले जाता हूँ, या कभी कभी यहाँ रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में भी दूध मिल जाता है, तो मैं दूध पीता हूँ हेल्दी गर्मा गर्म। और उसके साथ जो घर का नाश्ता मैं लाया हूँ, आटे से बना हुआ नॉन फ्राइड आइटम, नॉन स्पाइसी आइटम, वो सारी चीज़ें मैं दूध के साथ नाश्ता करता हूँ, जिसमें पतंजलि के जो आटा बिस्किट आते हैं वो मैं 2-3 पैकेट लाया हूँ, वो खाता हूँ मैं, सेव मुमरा खाता हूँ, या फिर जो खाखरा होते हैं गेहूँ के आटे के बने खाखरा, वो सब दूध के साथ में खाता हूँ। तो मेरा एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद लंच में भी एकदम साधारण सी चीज़ें रेस्टोरेंट में खाता हूँ। शाम को कभी कभी मैं खिचड़ी खा लेता हूँ, जो खिचड़ी हम घर में बनाते हैं वैसे ही खिचड़ी वहाँ पर मिल जाती है, तो वो मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। तो खाने का मैं इस तरह से अपना ध्यान रख लेता हूँ। और चौथी चीज़ जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी वो थी इन्फेक्शन से बचना। तो इन्फेक्शन से किस तरह से बचना है, जैसे कि यहाँ मैं रिसोर्ट में हूँ तो बिना मास्क के हूँ क्योंकि आसपास कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं बीच पे जाता हूँ या फिर जैसे ट्रेन में आया, ट्रेन में वापस जाऊँगा, तो मास्क मेरा 1 मिनट के लिए भी अपने चेहरे से हटने नहीं देता, मास्क पहन के रखता हूँ, सैनिटाइज़र हमेशा साथ में रहता है। और दूसरी बात कि मैं ज़्यादा भीड़भाड़ वाली जगह पर गया ही नहीं। आज गोवा में मेरा 7वां दिन है, लास्ट डे है, कल मैं वापस जा रहा हूँ, और ये 7 दिनों में कहीं पर ज़्यादा भीड़भाड़ हो वैसी जगह पर मैं नहीं गया।
तो दोस्तों आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरे भी कोई सवाल हो किडनी के बारे में, डायलिसिस के बारे में, ट्रांसप्लांट के बारे में, तो भी आप पूछ सकते हो। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।